दोस्तों ये है ऑल न्यू होंडा सीवी 300 एफ 2024 मॉडल, 293.52 सीसी सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ऑयल कूल इंजन, पावर 24.4 पीएस 7500 आरपीएम, टॉर्क 25.6 Nm 5500 आरपीएम। इसमें आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस, यूएसडी फोक सस्पेंशन, ऑल एलईडी हेडलैम्प, ऑल एलईडी इंडिकेटर सेटअप देखने को मिल जाते हैं। साथ में इसमें आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्लीपर क्लच देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही में आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रियल टाइम माइलेज, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, साथ में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आप लोगों को 110x70 R17 का टायर और रियर में आप लोगों को 150x60 R17 का टायर देखने को मिल जाता है, और ये दोनों टायर आप लोगों को रेडियल टायर मिलने वाले है जो की MRF के तरफ से है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14.1 लीटर और गाड़ी का जो कार्ब वेट है 153 kg। फ्रंट में आप लोगों को 270 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में आप लोगों को 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। डुअल चैनल एबीएस सेटअप के साथ गाड़ी का जो सीट हाइट है 789 mm और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 177 mm, और साथ में गाड़ी का जो माइलेज है वो 30 से 35 तक का मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप बात करते हैं 2024 में आप लोगों को ये बाइक खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इस बाइक का डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंपेरिजन है यामा MT15 होंडा सीवी 300F और यामा MT15 का प्राइस आप लोगों को लगभग सेम ही देखने को मिलता है। अब देखिए उसी बजट प्राइस में आप लोगों को यामा MT15 से ज़्यादा पावर और ज़्यादा बेटर सीसी देखने को मिल जाता है, और साथ में इस बाइक में आप लोगों को ज़्यादा स्पेशियस सीट और बिग बाइक फील भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इस बाइक में आप लोगों को ज़्यादा फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। इस बाइक से आप लोग लॉन्ग टूर भी कर सकते हो और इसका हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है, और लाइट वेट होने की वजह से इस बाइक में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यामा MT15 को छोड़ के इस बाइक को आप लोग कंसिडर कर सकते हो 2024 में। अगर इस बाइक को आप लोगों को खरीदना है तो फिर जरूर से एक बार टेस्ट राइड लेके देखिए, और साथ में ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।